हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान अब पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है, क्योंकि बार बार कहने पर भी लोगों के नहीं मानने के चलते लोगों के वाहनों को जब्त किया जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान किसी भी प्रकार की आवाजाही को लेकर वाहनों का प्रयोग वर्जित रखा गया है, लेकिन हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान दी गई छूट के दौरान लोग वाहनों को लेकर बाजार में पहुँच रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 वाहनों को जब्त किया है। SHO हमीरपुर संजीव गौतम ने लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। SHO हमीरपुर संजीव गौतम ने कहा कि लोग अनावश्यक कामों को घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसा करने पर पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि केवल कर्फ्यू पास वाले वाहन ही आवाजाही कर सकते हैं, इसके अलावा वाहनों को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए बचाव बहुत ही जरूरी है और सभी लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। देखिए, लोगों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से बाहर ना आएं, अपने वाहनों का प्रयोग ना करें, और हमने चेतावनी भी दी है और स्पष्ट तौर पर बताया भी है कि यदि आप अपने वाहन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग सीज कर रहे हैं। अब तक हमने 28 वाहन इसमें सीज किए हैं और आज भी हम 2 वाहनों को सीज कर चुके हैं और अभी फील्ड में लोग गए हैं। तो मेरा ये आह्वान है जनता से कि आप अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। कुछ लोग देखने में आया था पीछे कि पैदल ही चले हुए थे, तो वो लोग भी अब उनको सरकार ने इस रुख को देखते हुए, लोगों के इस रुख को देखते हुए कड़ा कदम उठाया है कि उनको क्वारंटाइन होम में रखा जा रहा है। 14 से 28 दिन तक उनको क्वारंटाइन होम में रखा जा रहा है। तो इसी तरह का कोई और कड़ा स्टेप वाहनों के लिए भी आ सकता है यदि लोग इसको डिस्करेज नहीं हुए। हमें, हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये समझना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से दी जा रही हैं, वो सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जा रही हैं, हमारी सुरक्षा के लिए दी जा रही हैं, और हमें उनकी अनुपालना करनी चाहिए। अन्यथा और कड़े नियम बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।